ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बुलाया था कैसे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। दादा, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? अब मैं तुमसे क्या कहूँ बेटे? क्या हुआ? अब इससे ज्यादा और क्या होगा? वो हमारे पुरखों की निशानी, वो लक्ष्मी का वरदान चोरी हो गया बेटे। आपका मतलब है वो ड्रैगन? हाँ हाँ, ड्रैगन। पर कैसे चोरी हो गई? अरे ये पूछो किसने चोरी किया। किसने चोरी किया पिताजी? तुम्हारे भाई ने। मदन भैया ने? हाँ हाँ, मदन भैया ने। अगर मुझे मालूम होता कि वो बड़ा होकर मेरे साथ ये दुश्मनी करेगा, मेरे खानदान की इज्जत पर बट्टा लगाएगा, तो मैं पैदा होते ही उसका गला घोंट देता। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं जाता हूं। तुम कहां जाओगे? तुम्हें क्या मालूम है वो कहां? मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन मैं पुलिस को खबर करने जाता हूं। पुलिस? नहीं नहीं बेटे, पुलिस पे नहीं जाता। पुलिस पे जाने से सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा मेरा बेटा चोर है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूं। क्या करें? कैसे भी हो, कहीं से भी हो, उसको ढूंढ लाओ मेरे बच्चे, उसको ढूंढ लाओ, उसको ढूंढ लाओ। कहां चले गए? नमस्ते मदन बाबू। हटके? नमस्ते जी, आपने मुझे पहचाना नहीं जी? हटके, मैं रूम में आपके यहाँ काम करता था, मैं शामू हटके हूँ। शामू भाजी? हाँ याद आया। यहाँ जी मैं घोड़े गाड़ी चलाता हूँ, हटके भगवान की दया से और आपके आशीर्वाद से बस गुजर हो जाता है। अच्छा, जी, बात आप आए कब? मैं आज ही आया, कई काम है। हटके घर वाले कैसे हैं? ठीक। वो प्रेम भैया कैसे बाबू जी? बिल्कुल, शुक्र है भगवान का। तो ये गाड़ी आपकी की, आइए आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। मुझे बहुत देर लग जाएगी, तुम जाओ। अजी हटके आप अंदर काम कीजिए और मैं हटके बाहर आपका इंतजार करता हूँ। नहीं भैया, मुझे बहुत काम है, तुम अभी जाओ, फिर बाद में देख जाएगा। गाड़ी खाली आचे? अरे हाँ खाली आचे। श्याम बाजार पहुँचे जब एक फसल ने भी गाड़ी में। अरे भाई 20 टाका? नहीं नहीं 2 टाका। बसुन बसुन। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मिस्टर चेक, आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं खुले बाजार में इस ड्रैगन की मुंह मांगी कीमत हासिल कर सकता हूँ? तुम जानता, खुला बाजार में बेचने से तुम्हारा खानदान का इज्जत खराब होता। यही तो मुश्किल है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये ड्रैगन किसी जमाने में चीन के बादशाहों की शान था।
फिर ये बर्मा के राजा शून के पास पहुंचा और वहां से हमारे बुजुर्गों को मिला। आई नो हम अच्छी तरह जानता है। आप सबको जानते हैं, लेकिन क्या करें, इस वक्त हम ऐसी मुसीबत में आन फंसे हैं कि इसे बेचे बगैर काम नहीं चल सकता। और फिर जो कीमत आप दे रहे हैं वो इतनी कम है कि कीमत तो तब दी जाती है जब कीमत वसूल हो। जैसे आप इसको खुला बाजार में नहीं बेचना सकता, हम भी नहीं बेचना सकता। हम ठीक बोला? आप ठीक कहते हैं। तो बस तुम कल मॉर्निंग में 11 बजे इधर आ जाओ, हम बैंक से कैश रुपया मंगा कर रखेगा। तुम सोचो, हम भी सोचेगा, 2-4 हजार रुपया चार्ज भी दे देगा। थैंक यू वेरी मच, मैं कल ठीक 11 बजे सुबह पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वो ड्रैगन असली है, मिनिमम प्राइस 5 लाख होगी, हमको बहुत पसंद है। गुड लक टू यू। श्योर चैन। चलो तुम लोग सब मेरे साथ आओ। जी वो गेट साहब में खड़े हुए ना आदमी, उनको टैक्सी चाहिए। गंगा मैया की, मैंने अपनी आंखों से देखा, 3 आदमियों ने एक काली गाड़ी में से मरे हुए आदमी को निकाला और उसे हावड़ा ब्रिज पर फेंक कर रफू चक्कर हो गए। और तुम इस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? अरे अब तुझसे क्या छुपाना, मैं जरा दम लगाकर हवा का मजा लेने गया था। तो फिर तुमने आज दम लगाया और लगे नशे में बकवास कर। अरे नशा तो मेरा उसी वक्त हरण हो गया था जब मैंने ये माजरा देखा। और दूसरी बात, चुपचाप जाकर सो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो पुलिस को खबर कर देगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा ये तुम? और नहीं तो क्या, गांजा पीकर ऐसी बकवास करोगे, जेल नहीं तो क्या ससुराल जाओगे? ऊपर छमिया भागे तू सब। जाओ ऊपर छमिया, जाओ चुपचाप हो जाओ छमिया। अच्छी बात है,
आदमी आए, उन्होंने मरा हुआ आदमी फेंका और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। कसम गंगा मैया की। प्रेम कुमार नाम प्रेम, नो क्रेशन विद रोमान। मैंने बहुत है सब रंगून में। गल्डन गल्डन ब्रावो ब्रावो अमान, गुड गर्ल, ब्यूटीफुल डांसर। ओह थैंक यू। अच्छी बात, आप जाइए, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। ओके, आई विल सी यू। थैंक यू। लेट्स प्ले द गेम ऑफ लाफ। फाइव एंड सिक्स, लेट्स प्ले द गेम ऑफ लाफ। बरखा में धूप आए, मुख पे पसीना हल्का,
गोरा ये रूप है, हमने तो आज देखी बरखा में धूप है। देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निधार हो गए। देख के तेरी नजर बेकरार हो गए, जी हुजूर खैरी हम शिकार हो गए। Thank you, sir. Excuse me, who are you? Who is he in between? In between? I am Joe, Edna ka uncle. Oh, uncle. Glad to see you. Aapne hamare beti ka tarif kiya, hum bahut khush ho gaye. Thank you. Really, madam, aapne to kamaal kar diya. Agar hamara dance itna acha hota, to aapka friend bhi se kya koot ke chala jata. Friend? What friend? Oh, friend. Gone there. There. Please come. Oh, friend. Aapko inka dance pasand? Where is Edna, uncle? Come, Edna. Meet Uncle Joe. हम दोनों मिल चुके हैं। Yes, uncle. ये मेरी भतीजी Edna. Hello. Hello. She's a child. शर्माती है। Right. She got ठंडा पानी, boy. Passport, please. Oh, thank you. Your passport? Okay, begin. Phir milenge. Darling. Namaste, Prem Babu. Are Shama, tu? Aaj ke ghar mein to sab razi khushi hai na? मुझे मालूम था आप लोगों में से कोई ना कोई आएगा। सामान रखो। बड़े भैया का तो बहुत अफसोस है प्रेम बाबू। तुम्हें कैसे मालूम? ये सब गाड़ी में बसाऊंगा, आप बैठिए। तुम्हें मदन भैया कब मिले? जिस रात को उनका खून हुआ उसी शाम को, और उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया और फिर मैंने उनकी लाश को पहचाना। पुलिस ने तुम्हें क्यों बुलाया? तो बात यह है कि किसी परदेसी से अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो पुलिस वाले शहर के तमाम टैक्सी वालों को गाड़ी वालों को बुलाते हैं शनाख्त के लिए। मदन भैया कहाँ मिले थे? एक होटल के सामने। कौन से होटल? मुझे वहाँ ले जा सकते? हाँ, ले जा सकता हूँ, मगर हटके वो बड़ी खतरनाक जगह है। मैंने मदन भैया को भी रोका था मगर वो मुझे टाल कर चले गए। इसलिए मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मदन भैया के खून में उन लोगों का हाथ हो। हाँ, हटके हो तो सकता है। ले चलो मुझे। अच्छी बात। हटके जरा सुनो,
यहाँ पर अपना नाम और पता ठिकाना बिल्कुल गलत बताना है और मुझसे बातचीत ऐसे करना जैसे हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। अच्छा हाँ जी। हट के माफ कीजिएगा साहब, ये तो आ गया होटल, सामान निकाल ले आओ। चेयरमैन सामान उठाओ। सलाम मिस्टर ली, गुड मॉर्निंग। हाँ सबके लिए कमरा चाहिए। अच्छा आप कहाँ से आए? मैं नहीं आया, साहब आए हैं। आई एम सॉरी। आप कहाँ से? रंगून। रंगून। आपका नाम? राकेश शर्मा। आप कितने दिन यहाँ ठहरेंगे? ये कोई प्लीज सही था। और आपकी सिग्नेचर कीजिए। अच्छा साहब आप नहा धोकर आराम कीजिए और मैं गाड़ी लेकर आऊंगा शाम को। विच रूम? रूम नंबर 10। जॉन चू 10 नंबर के कमरे में साहब का सामान रखो। अच्छा सलाम साहब। मिस्टर ली अपना कमीशन। व्हाट कमीशन? हट के बाबा अपनी जबान बोलो, क्या अंग्रेजी बोलते हो, हमको नहीं समझ आती।
हेलो एड मैम, आ गए तुम? हेलो अंकल जो, कैसे हो? चैन कमाए बात कर रहे हैं। क्यों शामू, कोई कस्टमर लाए हो? नहीं मिस्टर ली, वो रंगूनी कस्टमर आया था ना, उसे पैसे लेने भूल गया था मैं। अच्छा, तांगे वाले जी आया बाबू जी। कितने हुए जी? हटके 5 रुपए नौ आने। ये जो लड़की जा रही है ना, ये रंगून से मेरे साथ आई है, जानते हो कौन है? हाँ अच्छी तरह जानता। क्या करती है? ये गंगा के किनारे इनका होटल है, वही धंधा करते है जो लोग भी जो चैन करता है। अब सुन रहे होटल है? हाँ जी। उस होटल में जगह दिला सकते हो? कोशिश करते हैं, कमरा खाली हो तो मिला। कितने में? 5 रुपए नौ आने। 5 रुपए नौ आने जी। ओ चैन देखो कौन आया। ओ हेलो इतना। हेलो। अच्छा हेलो, कैसा? ठीक है इतना? तुम कितना टाइम की बात कर रहा है ना? यस मिस्टर चैन, इधर सब पहले का माफक, नो चेंज। लेकिन तुम एकदम चेंज हो गया, कितना खूबसूरत दिखता, कितना अच्छा दिखता। पार्टनर मेरे ख्याल है पहले बिजनेस की बात हो जाए। ठीक है ठीक है। वेल जो बोलो, बिजनेस का क्या बात बोलना मांगता? जो कह रहे थे कि वो कोकीन और रसीम का स्टॉक कल रात को मिलेगा। तुम कल जाकर स्टॉक ले लो। वेल जो, जब भी तुम्हारा टेलीफोन मिला हम समझ गया तुम हमारा काम सक्सेसफुल किया। हम कुछ नहीं किया, हमारी बेटी एडना ने किया, बट कितना डेंजर, पुलिस वाला, सीआईडी वाला, कस्टमर। कैसा बात बोलता जो? एडना के लिए कोई टेंशन नहीं, एडना चित्र देखेगा एकदम फिनिश खत्म। मिस्टर चैन, अब हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है। बोलो बोलो। कल हमारा क्रिसमस है, हमको एडना को कुछ प्रेजेंट देने का है। हाँ अभी हम हांगकांग रंगून इधर जाके आया, हमारे पास पैसा खत्म हो गया, कुछ पैसे का बंदोबस्त। यस यस, तुम घबराता काहे को, हम सब खर्चा देगा, एडना के लिए प्रेजेंट भी देगा। देखो कल हम प्यारेलाल के हाथ कैश भेजेगा, ठीक है एडना? यस यस मिस्टर चैन, चलो अंकल अब चलो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ठंडा पिएगा। अभी हम एकदम ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट जो। गुड नाइट प्यारेलाल, तुम थोड़ा अच्छा रहेगा। एडना तुम चलो, मैं आता हूँ। भाई 10 रुपए ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो। हेलो शामू जी। सलाम एडना मेम साहब। सलाम सलाम सलाम, कैसे हैं? हटके मेम साहब, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसा है? शामू वो साहब जिसका बाजू में तुम खड़ा था, तुम जानता? मैं जानता तो नहीं हूँ, नया कस्टमर है वो, मेरी हटके में आया है। अपना भी एक होटल है, उधर भी रूम मिलने को सकता है। मैम साहब इसमें मैं अंकल। क्या वो हाँ जी मैम साहब, मैं समझ गया। सलाम जो। अच्छा डार्लिंग, शाम को 10 रुपए काय को दिया? बस दिया, अपना होटल में जितने जास्ती कस्टमर्स आएगा उतना जास्ती बिजनेस होएगा। ओह तुम अभी से बिजनेस देखना शुरू किया, वेरी गुड वेरी गुड। हट के बाबूजी गाड़ी तैयार है। क्या हुआ? बात उल्टी हो गई। उल्टी हो गई? मैं तुम क्या मतलब? वो कह रही है तुम्हें उसको होटल में जाने के लिए। लेकिन क्या? चल मेरे बच्चे, बार 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 रुक जा रुक जा रुक जा, मैं बाबूजी होटल आ गया। अरे आओ आओ से खाओ ना। हटके मिस्टर जो, तुम्हारे लिए हटके कस्टमर लाया। अरे आप जा रहे हो? अरे
ये तो मेरा होटल है। बड़ी खुशकिस्मत मेरी के फिर मिल गए। ओ, आप एक दूसरे को जानते हैं? जानते? अरे हम तो फ्रेंड है। हाँ, हम रंगून से एक ही जहाज पर आए। हटके हम इसको यहाँ ठहराने के लिए लाया और आप वाकिफ निकल आया, अपना कमीशन तो गया फिर। अरे शामो तुम घबरा था काय को, तुम इतना बड़ा आदमी इधर ठहराने के लिए लाया, हम तुमको डबल कमीशन देंगे। मेंशन ना, अच्छा होगा तुम आज इधर आया, आज हमारा फेस्टिवल नाइट है। गुड गुड गुड। मैनेजर, ये हमारा फ्रेंड बहुत बड़ा आदमी है, इनके लिए अच्छा वाला कमरा दो। बट सॉरी सर, आज हाउसफुल है, कोई रूम खाली नहीं। हटके मैनेजर साहब, क्या बात करता है, घोटाला क्यों करता है, हमारा कमीशन क्यों खाता है भाई? अरे शामू तुम घबरा था काय को, सिंगो इस आप का सामान ऊपर ले जाओ, हम साहब को हमारा पर्सनल रूम में ठहराएंगे। थैंक यू मेंशन नॉट, कम ऑन मिस्टर जो, कमीशन है डीडी जो गो, कम ऑन सलमान। आपके जैसा बड़ा आदमी हमारे होटल में आया, हम बहुत खुश हो गया। थैंक यू मेंशन नॉट, हमारे होटल की सर्विस देख के आप भी बहुत खुश हो जाएगा। थैंक यू मेंशन नॉट, बहुत अच्छा वाला सर्विस है। कम इन सर, कम इन, कम इन। दिस इज माय बेस्ट रूम, खुली हवा, ब्यूटीफुल व्यू, हावड़ा ब्रिज, हॉली गैंगजेस। हावड़ा ब्रिज पर कुछ दिन पहले एक खून हुआ था ना? यस सर, यस सर। आप अब आराम कर सकते हैं। साहब, आपको कुछ ड्रिंक मांगता है? नहीं सर, एक्स्ट्रा चार्ज है। ओके सर, थैंक यू मेंशन नॉट। ये हमको जो हम लेके जाता है। आप नहीं साहब, हम ले जाएगा नया साहब जासी बख्शिस। बख्शिस हम तुमको देगा नीम साहब, बोला ना देगा, छोड़ो। बना दो जी सर। हेलो हेलो, आप? दिस इज माय अंकल्स होटल। ओह ओह, इसके हिंदी हमको नहीं आता। लेकिन आप बोल तो रही हैं। Oh no, it's so wrong. ज़्यादा गलत नहीं है, आप मुझसे हिंदी में बात कर दीजिए। हमको शर्म आएगा। शर्म? हाँ पहले कल शर्म आएगी, लेकिन जब सीख जाएंगे तब नहीं। आप हमको हिंदी सिखाएगा? जरूर सिखाऊंगा। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतना अच्छा नाचती हैं, इसी बहाने थोड़ी देर आपके साथ रहने का मौका तो मिल जाएगा। आप ये कैसा बात करता? मैंने बुरा कहा? नो नो, हम बट शिप के ऊपर तो आप हमारे तरफ देखता भी नहीं था। उस वक्त मुझे कुछ परेशानियां थी, वरी। हम कुछ हेल्प कर सकते? मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, आप लड़की हैं। अरे वो हम बात करता पीठ ठंडा होता। कोई बात नहीं, 50-50? No, thank you. क्यों ना? 50-50. दखल अंदाजी की माफी चाहता हूँ। एडना, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम प्यारेलाल है, मैं एडना का दोस्त हूँ। बड़ी खुशी आपसे मिलके। लाइक इट? डोंट माइंड? ठीक है। आपका नाम तो राकेश है ना? आपके किसने कहा? एडना के अंकल जो ने मुझसे आपकी तारीफ की। जी हाँ, मेरा नाम राकेश है,
ये मेरे एक दोस्त की। खूब, बहुत खूब। गुट्टी, आपसे मुलाकात होगी। कौन है ना? प्यारे लाल, हम ऐसा बिल्कुल लाइफ नहीं करते। लेकिन क्या तुम काय को उसका इंसल्ट किया, काय को उसका चाय पिया? एडना, तुम्हारी हर चीज मेरा हक है। बट वो ठीक हमारा नहीं, उसका था। लेकिन एडना डार्लिंग, बनाए तो तुमने अपनी नाजुक हाथों से थी। छोड़ो हमारा हाथ, तुम्हारा ऐसा हरकत देख के उसके दिल में क्या आया होगा? यानी मेरे दिल की फिक्र छोड़कर उस बेवकूफ का दिल की फिक्र कर रही हो? डोंट बी रबिश, तुमको कितना वक्त बोला है कि तुम एडना डार्लिंग। ओ प्यारे लाल, तुम इधर, हम समझा तुम किधर गायब हो गया। एडना को छोड़ के हम किधर जाएगा? यस यस एडना डार्लिंग, डांस का टाइम हो गया, तुम अभी तक ड्रेस नहीं पहना। आज हम डांस नहीं करेगा। काय को नहीं करेगा? क्योंकि मुझसे नाराज है। ओ डोंट बी सेंटिमेंटल डार्लिंग, इस राजी नाराजी में कुछ नहीं रखा। तुम जल्दी जाके तैयार हो जाओ, आज अपना फेस्टिवल नाइट है। तुम्हारा नाम सुन के सब टेबल बुक हो गया है। अपना नया कस्टमर मिस्टर राकेश तुम्हारा डांस देख के बहुत खुश हो जाएगा। ओ अंकल, तुम उनको हमारे डांस पे आने के वास्ते बोला? बोला है, जरूर बोला है। ओ तब तो हम जरूर डांस करेगा, हम अभी रेडी होकर आता। थैंक यू डार्लिंग। कम ऑन मिस्टर प्यारेलाल, कम ऑन। अंकल जो, जरा अपनी एडना पे निगाह रखो। मतलब? मतलब यही कि अगर इसी तरह हर नए पैसेंजर पर दिल फेंकती रही तो होटल कब तक चलेगा, वो तुम्हारे पास कब तक रहेगी? क्या बात बोलता तू, एडना हमको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। एडना को हम अच्छी तरह से जानता, शी इज जस्ट चाइल्ड। मैनेजर। यस बॉस। डेकोरेशन कंप्लीट हो गया? यस बॉस। वेरी गुड, कम ऑन मिस्टर प्यारेलाल, कम ऑन।
कुछ पता चला? भाई कल ही तो लड़की से मुलाकात हुई, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? राकेश बाबू अगर पता चल सकता है तो सिर्फ इस लड़की से और किसी से नहीं। वही तो कोशिश कर रहा हूँ। क्या खूब कोशिश कर रहे हो, हटके कुर्सी पर बैठे और सिगरेट पी रहे हो, ये कोशिश है? और क्या करूँ? अरे बाबा लड़की नीचे टहल रही है, उसके पास और पता निकालो। अच्छा जा। हेलो। हेलो सर, मिस्टर राकेश। बहुत अच्छा हूँ। क्या करते हैं? खूबसूरती देख रहा हूँ। इतने डिस्टेंस से नीचे आके देखो। अच्छी बात है, कोट पहन कर। तुम यहीं बैठोगे क्या? कैसा पसंद आया आपको? पसंद है। शहर बहुत बड़ा है और कुछ अजीब। अजीब? अजीब यानी मिस्टीरियस। तुम्हारे बात में हमारी बातें कितना है कि शहर से मुझे नाम भी दी होती, मगर तुम से उधर नहीं। अगर शहर वाले काम ना आए तुम तो मेरा साथ दोगे? देखो हावड़ा ब्रिज। हर रोज इधर से 10-20 लाख आदमी उधर जाता इधर आता। इसमें तो ब्यूटीफुल के हवा में उठते हुए बाल शाम से लाल हुए बाल को क्या कहें, पूरे हैं या तुम हैं? ऐसी बात है ना कि कौन कब कहाँ कैसे मिल जाता समझ में लगा। तुम कहाँ थे, मैं कहाँ था, अचानक मिले, थोड़ा झगड़ा हुआ तो दोस्त बन गए। दिल तो यही था, दिमाग से पूछूंगा तो दिल तो तकलीफ, क्योंकि दिमाग हमेशा होशियार करेगा। एडना के बहुत से दोस्त हैं और हर दोस्त नो, एक को तो मैं जानता हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है, एकदम बदमाश है, हमारे आगे पीछे घूमता है, हमको लालच दिखाता है, बोलता है तुमको रुपया देगा, तुमको ज्वेलरी देगा, तुमको शादी बनाएगा। ज्वेलरी? बदमाश। कौन ज्वेलरी? चाइनीज ज्वेलरी, वो उसका दोस्त है ना, जैसे जॉन चैन। बोलते वो क्या ज्वेलरी कुछ सर में पहनने का है? हमको उसका कुछ भी मांगता नहीं, आई हेट यू। लेकिन नटना जब वो तुम्हें इतना रुपए दे रहा है, इतनी ज्वेलरी दे रहा है, तो उसकी शादी क्यों नहीं कर लेती? क्यों तो फिल्म से राकेश, अगर तुम ऐसा बात करेगा तो हम तुमसे फिर से झगड़ा करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कभी भी रुपए के वास्ते शादी बनाने को नहीं मांगते। हम आदमी अच्छा मांगते हैं,
समझा के। मोहब्बत का हाथ, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। कहीं जा रही है सुनी जा रही है, निगाहों की बाजी लगी जा रही है, वो नदिया की लहरों पे ये गेंद बल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। सितारे जमीन पर उतर आए बल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। ये आशिक के दिल पर हसीनों का हल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। कमीना हो कमीना, तुमने उधर बोर्ड काहे को रखा? अभी माल कहाँ से आएगा? कल जहाज चला जाएगा, हमने कैप्टन को रुपया दिया है, वो माल भी गया रुपया भी गया, तुमने हमको बर्बाद कर दिया। हमें क्या मालूम था सेठ वो बोर्ड लेके चले जाएंगे। जो बहुत होशियार बनने की कोशिश मत करो, एडना तुमसे पूछे बगैर बोट लेकर राकेश साहब बाहर नहीं जा सकती, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? बाय गॉड, हमको कुछ मालूम नहीं पैरेलाल। जो तुम्हें सब कुछ मालूम है, कल सुबह तक सामान पहुंच जाए। पैरेलाल गुड नाइट। जो पैरेलाल बहुत, तुमने उधर ताला क्यों नहीं लगाया? इससे पहले कभी ताला नहीं लगाया था सेठ, कल से रोज ताला लगाया करो। सेठ इतना घबराने क्या बात है, वो अभी आ जाएंगे। अभी आ जाएंगे, तुम उनका सिग्नल हो, तुमको कैसे मालूम हुआ? एडना तुम किधर गए थे? मिस्टर राकेश के साथ जरा घूमने को चला गया था। घूमने को गया था, इधर नुकसान हुआ कौन भरेगा? यस मिस्टर राकेश, आप बीच में क्यों बोलता? अंकल
शेटर, तुम ये नहीं जानते रोज शाम को इधर तुम्हारा डांस होता है, कस्टमर आता है, फायदा होता है। शेटर, कलकत्ते में और होटल नहीं है, उधर कस्टमर क्यों नहीं जाता, इधर ज्यादा कस्टमर क्यों आता है? आपका मतलब है इनकी वजह से? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक। इनकी रह हाजिरी की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ? यही 300-400 रुपए का। आप मुझसे ले लीजिए। क्या कर रहे हैं मिस्टर राकेश? करो क्या, वापस कर दो। वापस कर दो? तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, जरा सोच समझ के चलना चाहिए। तुम उनका रुपया वापस नहीं करोगे? नहीं करेंगे। डोंट बी फूलिश। साहब आपके लिए कानन आया। एडना मेन साहब ने चिट्ठी दिया। कमिंग। ये रुपए तुमने मुझे कम वापस किए? सॉरी अंकल, आपसे रुपया लिया, हमको ये बात बहुत बुरा लगा, हम माफी मांगते हैं, प्लीज। लेकिन ये रुपए तो मैंने तुम्हारे अंकल को दिए थे, तुम्हें नहीं। सेम थिंग। क्या सेम थिंग? एक ही वाला बात है, आप नहीं जानता, हमारा अंकल हमेशा ऐसे ही करता, इतना बड़ा होटल इधर से रुपया आता, हमको डांस कराता उधर से रुपया आता, वो जो बोलता हम वही करता, लेकिन हम अपने दिल का एक बात भी नहीं करने को सकते। क्या दिल की बात? हम आपके साथ गए थे ना, आप नहीं जानते, अगर हमारा मदर फादर होता तो आज हमारा ऐसा कंडीशन नहीं होता। इतना तुम्हें तकलीफ किस बात की? अंकल बुरा है, उसका साथी बुरा है, उसका काम बुरा है, काम बुरा। हम बोलते जितने लोग भी मिलते सब सेल्फिश, सब अपने मतलब देखता, अपने मतलब देखते सब लोग। तुम्हारा ख्याल है कि मैं भी मतलब ही? नॉट यू, आप डिफरेंट हैं उन लोग से, आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अच्छा आदमी? हमारे दिल बोलते हैं आप बहुत अच्छे। तो देखता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि अब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मामला पुलिस के हाथ में है, हटके कलकत्ते की पुलिस बड़ी होशियार है, उसे बड़े बड़े डाकू डरते हैं, इन बदमाशों की बता क्या तो समझा। लेकिन अगर बदमाशों को पकड़े जाने के बाद भी ड्रैगन नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हटके ये बात पता की मुझे तरकीब सूझी है। वो क्या? तो मुझे जौहरी के पास ले जा सकते? जौहरी के पास? वो क्या मैं बताता हूँ, जोहरी को जानते हो किसी? हाँ हाँ जानता हूँ, अपने सारा कलकत्ता वाकिफ है, बड़े बाजार करना पड़ेगा। चलो चल बेटा बोलू, चल चल जरा बड़े बाजार। हक्के ओ बोसाबू केमन आछेन? ভালো ভালো। কোথা ছিলেন জি? হ্যাঁ ব্যস্ত ছিলাম। বোসাবু ইনি কিছু তৈরি করাতে চান? আপনি কি চাই? মুঝে খাস চিজ বানি। আসুন ম্যানেজার সাহেব আসুন। ম্যানেজার বাবু দেখুন তো ভদ্রলোক কি তৈরি করাতে চান। আসুন আসুন। নমস্কার। নমস্কার। देखिए मुझे बिल्कुल ऐसा ही जेवर बनवाना है। ये है ये एक नाटक के लिए चाहिए, और देखिए इसमें जो जवाहरात है ना वो देखिए मेंडर साहब, जवाहरात जो हैं वो जरा आप नकली लगाइए मगर नजर असली आने से। पूजी जी पूजी जी। हाँ। कब चाहिए? कल। कल? तो तड़ातड़ी इतनी जल्दी कैसे होगा? कल ही ड्रामा है ना, इसीलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करूंगा इसके लिए। पूजी जी बड़ा सख्त काज, 500 लगभग। 500? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 100 एडवांस दे दीजिए। मगर मैनेजर साहब बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। काम बहुत मुश्किल। अच्छा मिलेगा कब?
ও কাল সন্ধ্যেবেলা তাক মিলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা শ্যামকো, নমস্কার। নমস্কার ঘোষ বাবু, আমার কমিশনটা। अरब से बहुत बड़े सौदागर आए हैं। सौदागर? हाँ, और हट के तुम्हारे मालिक से कारोबार के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। मैं अभी बॉस से बात करता हूँ। बॉस, आई एम ली स्पीकिंग। यस ली। बॉस, एक बहुत बड़े सौदागर आए हैं अरब से, आपसे मिलना चाहते हैं। ऑलराइट बॉस। बाबू, साहब को बॉस के पास ले जाओ। बहुत शुमा यानी पहले आप आइए। मिस्टर लेक मिशन, तुम हमारा जरूर दिवाला निकालेगा। अरे बाबा, हट के जनाजा तो नहीं निकालूंगा ना, दिवाला ही है ना बाबा। ग्राटी लाया तुम्हारे पास, इतना बड़ा धंधा करेगा तुम्हें निवाला। बॉस, ये अरब के मशहूर सौदागर शेख हसन रशीद साहब। सलाम अलैकुम। सलाम सलाम। शुक्रिया, थैंक्स। नो मेंशन। हम आपका इस्म शरीफ। ओ शरीफ, तुम शरीफ, हम शरीफ। नो शरीफ, इस्म शरीफ नाम। हम आपका नाम सुना। चैंग चैंग कितना सुना? रंगून। कौन बोला हमारा नाम? मिस्टर चैंग, आपका सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ओह यस यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। टुडे प्लीज। कौन बोला हमारा नाम? रंगून का सौदागर, मर्चेंट लोग जो जमीन के नीचे काम करता है। जमीन के नीचे? मैंने पुलिस के पीछे। नो, मिस्टर रशीद, अपना कोई काम ऐसा नहीं है, अपना काम सब स्ट्रेट है। हम समझ गया मिस्टर चंग, हमारा भी काम स्ट्रेट सिंपल। एब्सोल्युटली स्ट्रेट। हम हांगकांग गया, हांगकांग से रंगून गया, रंगून में हमारा काम बन गया। हम आपके लिए चीज लाया। चीज? क्या चीज लाया? छोटा मामूली चीज है। नो मिस्टर रशीद, तुम जानता अपना बिजनेस बहुत बड़ा, हम छोटा चीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मिस्टर चंग, हमको पैसे का तकलीफ, इसलिए आपके पास आया। नो मिस्टर रशीद, तुम जानता हम अपना वक्त जाया नहीं करना मांगता, तुम भी अपना वक्त जाया करो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चैंग, एक नजर देख। किधर से मिला? आपको नाम भी मालूम है, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, लेकिन जो देखा वो नकली, ये असली। नकली? जी नहीं, ये असली। रंगून से एक मदन गोपाल आया था, नकली लेके उसका खून हो गया। नो मिस्टर रशीद, हम कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता होगा। अच्छा मिस्टर रशीद, प्लीज बैठो, थोड़ा बैठो। आपको पसंद है? पसंद है। कितना दाम? 7 लाख। 7 लाख ज्यादा है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम इधर बैठो, हम अभी आता। चलो नहीं, हाँ रुपया देकर आता। जानता जो अरब हमको अभी अभी मिलने आया? कौन अरब? वो जिन शामों के साथ आया, देखो वो बहुत डेंजरस आदमी है, हमारा सब सीक्रेट जानता। वो अभी अभी हमारे कमरे से भागा, देखो उसका पीछा करो, जल्दी पीछा करो, उसको पकड़ कर उसका फैसला करो, समझा? जल्दी जल्दी हरी अब हरी अब। ओके जी। श्यामू साहब से घर आया था? जी हाँ, वो अभी अभी बाहर गया। चलो साथ आओ। हाँ, क्या मांगा तुमने? अरे आप माफ करना, आज के अपनी सवारी आ गई है, तुम लोग जाओ। श्यामू, ड्रैगन उन्हीं के पास है, मुझे पता चल गया, लेकिन उन्हें मुझ पर शक हो गया, तुम जल्दी चले आओ।
आइए नमस्ते सेठ प्यारलाल जी। गाड़ी में कौन है? गाड़ी में घोड़ा जी। अंदर कौन है? अंदर हाँ सवारी है, हटके जनाना सवारी। रुक के बोलता है, मैंने बोलता हम देखेगा। ठहरिए मैं आप दिखाता हूँ आपको। नीचे आओ। आ रहा हूँ जी। हटके मैं तो आपका पुराना खादिम हूँ, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। भरोसे कोई बात नहीं, खोलो दिखाओ। अच्छी बात है बीबी जी, ये होटल के मालिक हैं, अपने दोस्त हैं सेठ प्यारे लाल, ये आपको देखना चाहते हैं। मैं हट के, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं जरा ये उठाऊं कपड़ा। शर्म नहीं आती बुए को? देखना है तो कह दो, घर जाके अपने माँ बहन को देखे। हाँ, बड़ा है देखने वाला, तेरे घर पर आने दो तो मरद से कहूंगी कि देखना चाहता है। अरे जल्दी चलो, मैं चुपचाप बैठ के पुलिस को खबर कर दूंगी। हट के बीबी जी, अभी चलाता हूँ गाड़ी में। क्यों जी, अब तो तसल्ली हुई ना आपको? हाँ हट के ये साथ जाएगा है? जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हट के जरूर जाएगा साथ। भाई जरा गाड़ी के पीछे से आ जा, कहीं घोड़ा ना देख ले तू। जा की तुपकी पान का इक्का, पेट की तुपकी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। पेट की तुपकी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। बालीगंज की झील पे बाबू आए रूप के दास, झील किनारे बढ़ती जाए मतवालों की प्यास। ना पाकिट में माल है बाबू, ना पाकिट में माल है बाबू, ना कपड़ा ना लत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। हटके की तुपकी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। चौरंगी के चौक में देखो मतवाले बंगाली, रसगुल्ले से मीठी बातें इनकी शान निराली। कहीं मुखर्जी कहीं बनर्जी, कहीं मुखर्जी कहीं बनर्जी, कहीं घोष कहीं दत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ओ हटके की तुपकी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ये बस्ती है आग का दरिया, इसमें हौड़ा पुल है, अपनी जान बचा लो बाबू वरना डब्बा गुल है। सर पर पाओ रख कर भागो, सर पर पाओ रख कर भागो, कटने वाला पत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। की तुपकी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। हा, 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 हा,
प्यारी लाल। मिस्टर लाल की क्या जरूरत है, तुम मुझे सिर्फ प्यारे कहो। हम जानबूझकर कभी ऐसा मिस्टेक नहीं करते। एक बार फिर के करो। आप हमको इतना पुलिस कैसे समझता है? ना मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, तुम खूब जानती हो। हम तो कुछ भी नहीं जानता। तुम सब कुछ जानती हो और जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रही हो, और वो भी राकेश के लिए। ना वो यहाँ होता ना तुम उससे खिंची खिंची रहती। हमारे पर्सनल लाइफ में बोलने का राइट किसी को नहीं। किसी को हो या ना हो मुझे जरूर, क्योंकि मेरा तुमको हक है। और बहुत जल्द मैं तुम्हारे चाचा को तुम्हारी कीमत देकर तुम्हें अपना बना लूंगा। डोंट बी सिली। हमको ऐसा फिजूल का बात सुनने का हैबिट नहीं। जिस चीज को मैं पसंद करता हूँ उसे अपना बना लूंगा। आई एम फेड अप। तो कहा गो अवे गो। तो मैं जो बोला वो तुम सुना। तुम्हारे दिल की बात क्या मालूम नहीं, तुम कब समझेगा, कैसे समझेगा, कैसे समझेगा तुम? इतना ला मैं क्या समझू। तुम हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। हम बोलेगा, हम बोलेगा आई लव यू। इतना लेकिन मुझे यकीन नहीं थे। बिलीव मी इट्स ट्रू। एकदम सच्चा बोलते हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं, सच्चे बोलते हैं, भरोसा करो। इतना लेकिन देखिए तुम हमको भरोसा नहीं करते। नहीं ये बात नहीं करना, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। शादी? यू मीन मैरिज? रियली? मुझे इस होटल का माहौल, तुम्हारा नाच और ये सब मुझे पसंद नहीं। सब छोड़ देगा, तुम जो करेगा वो हम करेगा, सब ऐसे काम करेगा। मैं जिस मंदिर की तलाश में आया था उसका रास्ता नजर आ रहा है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
हाय मैं किस्मत का मारा कर कर मालिश हारा, मेरा कोई नहीं है सहारा, मेरा कोई नहीं है सहारा। अरे भोलू कुछ तू ही अपने भीकू का ख्याल कर यार, अरे छप्पर नहीं तो जमीन फाड़ कर ही कहीं से 150 दिलवा दे ताकि ये गांजे की तकलीफ तो ना रहे। आज का ताजा अखबार सरकार की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम, खबर की खूनी का पता देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। आज का ताजा अखबार, भाई अखबार वाला काहे का इनाम है? हावड़ा ब्रिज के खूनी का पता देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। खूनी का पता देने वाले को 10,000 का इनाम? अरे भी पैसे तो दो, पैसा पैसे। ये आज का ताजा अखबार। ए भाई ये खबर कहाँ लिखी है? ये लिखी है। कहाँ लिखी है? लिखी है ना? जी हाँ ये लिखी है। आज का ताजा अखबार, हावड़ा ब्रिज के खूनी का पता देने वाले को 10,000। मछली जैसी आंखें फिर भी देख के नहीं चलते। अरे कसम गंगा भैया की गर्म क्यों होती है, बात तो सब सुनो। क्या जिसने मेरा घड़ा तोड़ा पहले उसका सर तोड़ो फिर बात सुनूंगी। अरे चमो, अरे चमो सुन सुन ना। अरे अगर मेरा सर तोड़ देगी तो तुझसे शादी कौन करेगा, तेरे लिए जेवर और कपड़े बनवा कर कौन लाएगा? एक तो सवेरे सवेरे इतना बड़ा नुकसान किया फिर ऊपर से बातें बनाते हो। हाँ कसम गंगा भैया की तेरी समझ में तो जब आएगा जब मैं 10,000 रुपए का इनाम लेकर आऊंगा और भिकू से सेठ भिखारी मल बन जाऊंगा। अच्छा तो आज सवेरे से जमाए हुए हो क्या? गांजा और क्या। ठहरो अभी तुम्हारा नशा ना उतरवाया तो मेरा नाम भी छमिया नहीं छमिया। चाचा ओ चाचा। अरे भाई हटके, ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? तुम्हें इतना सर पे चढ़ा रखा है कि सुबह से शाम तक फिल्म चढ़ाए रहते हैं। और भिकू क्या बात है? भिकू नहीं सेठ भिखारी लाल कहो। अच्छा सेठ भिखारी लाल जी गाड़ी तो तैयार कर दी? आज तैयार कर दी है लेकिन सुनो कल से मुझसे घोड़े की मालिश ना हो सकेगी, किसी नौकर का बंदोबस्त कर लो। अरे अटके ये क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है? अरे कसम गंगा मैया की अभी तो बैकी बैकी बातें कर रहा हूँ लेकिन जब 10,000 रुपया मिल जाएगा तो मैं हवा में उड़ता फिरूंगा। देखो पढ़ो ऐतिहासिक लाल किले के दीवाने खास में रोशनियों से जगमगाहट। अरे चाचा ये नहीं 10,000 वाली खबर पढ़ो। 10,000 वाली कहाँ भाई? 10,000 रुपए नकद का इनाम, हावड़ा ब्रिज पर हुए खून के खूनी को बताने वाले को 10,000 रुपया नकद इनाम मिलेगा। बस 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 चाचा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ। अरे वो मैं ही आदमी हूँ। क्या बकता है, खून तुमने किया क्या? हाँ। चाचा बात एक ही है, खून किया नहीं लेकिन होते इन आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? चाचा मैंने देखा कि हावड़ा पुल के ऊपर 4 आदमी आए, उनमें से एक मोटर उतरी। अरे और 4 आदमियों में से एक मोटर कैसे उतर सकती है? एक मोटर में से 4 आदमी उतरे होंगे। चाचा बात वही है, एक मोटर में से 4 आदमी उतरे और उन्होंने एक लाश जमीन पर फेंक दी और वो चारों भाग गए। हाँ, अपनी आंखों से देखा तुमने? हाँ चाचा कसम गंगा मैया की मैंने उन 4 आदमियों में से एक को अच्छी तरह देखा है, अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसे अभी पहचान लूं। देखो तू यही है, हम मैं भी आता हूं। तुम पुलिस स्टेशन अकेले ही अकेले जा रहे हो, इनाम अकेले ही लोगे क्या? अरे प्यारे पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूँ, इनाम तुम ही ले लेना मगर नहीं ठहरो। देखो छमिया इसे जाने मत देना, जब तक मैं वापस न लौटूं इसका ध्यान रखना। एजी सुनते हो? अब तो एजी और सुनते हो जी कहने लगी। शामू चाचा की बातों से पता चल गया कि मैं 10,000 रुपए का मालिक बनने वाला हूँ। मैं नहीं ऐसे रुपए पैसे की परवाह करती, अभी से इतना करने लगे, जब हाथ में रुपया आ जाएगा तो धरती पे पैर भी नहीं रखोगे। अरे धरती पर क्या, मैं तो आसमान पर भी पैर नहीं धरूंगा, मैं तो दिन रात हवा में उड़ता फिरूंगा एक मोटर वाली के साथ शादी करके। अच्छा तो फिर जाओ किसी मोटर वाली से ब्याह कर लो, मैंने तुमसे बोलते। अरे रुक नहीं सुनो, अरे सम्मो, ए, सम्मो, सम्मो, सम्मो। मैं जान गई तुझे सैया हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार दिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार दिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया।
सांस में तेरी खुशबू तेरे प्यार ने कर दिया पागल तू मस्त घटा मैं पागल तू आँख है मैं हूँ काजल मेरी सांस में तेरी खुशबू तेरे प्यार ने कर दिया पागल मैं जान गई तुझे सैया हाथ छोड़ दे मोरी पैया मतलब के यार किया मुझको मार अब काहे पड़त मोरी पैया मैं जान गई तुझे कहे तो ला दूं तारों से मांग सजा दूं है प्यार मुझे भी कितना मैं चीर के दिल दिखला दूं तू चांद कहे तो ला दूं तारों से मांग सजा दूं है प्यार मुझे भी कितना मैं चीर के दिल दिखला दूं मैं जान गई जो भी दिल है मेरा प्यार भरा वो दिल है मेरा ही वो मतवाला तू प्यार भरी मंजिल है तेरे गाल पे जो भी दिल है मेरा प्यार भरा वो दिल है मेरा ही वो मतवाला तू प्यार भरी मंजिल है ओए मैं जान गई तुझे मान गई ना शम्मो हाँ मगर फिर ऐसी बातें नहीं करना अरे गंगा मैया की कसम मैं तो तेरा दिल देखने के लिए वो मोटर वाले की बात कर रहा था वरना मैं तो तेरा गुलाम हूँ गुलाम बस रहने दो ज्यादा बातें ना बनाओ शम्मो एक बात कहूँ तू है तकदीर वाली कैसे कैसे अरे तेरा प्यार तो हुआ था गरीब भिकू से और शादी करेगी सेठ भिखारी लाल से अरे क्या हुआ अरे वो चाचा अभी तक नहीं आया आते हुए ऐसी जल्दी भी क्या है अरे जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि भतीजे हटके और माल चाचा का उनके लिए ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म नहीं आती अरे इसमें शर्म की क्या बात है 10,000 का मामला है मैं जाता हूँ कहाँ पुलिस चौकी अरे सुनो तुम अरे शुभ काम में टोका नहीं करते कसम गंगा मैया की मैं अभी गया और अभी आया हाँ जल्दी आना गुड मॉर्निंग जी सर राकेश बाबू शाम उस वक्त हटके आपने आज का ये छापा पड़ा अखबार मदन भाई के खूनी को पकड़ने के लिए जो ऐलान किया गया वही हटके मैं उसे ले आया हूँ मेरे एक साई साहब भीकू उसने ये सब माजरा अपनी आंखों से देखा है क्या करा तुम क्या देखा उसने ये देखा कि वो गांजा देकर गंगा के किनारे जा रहा है और हौड़ा ब्रिज पर चार मोटरें आकर रुकी उसमें से एक आदमी चार मोटरों में से एक आदमी क्या कह रहे हो बोले गे जी एक आदमी आकर रुका उसमें से चार मोटरें उतरी हम ऐसा करो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उसके पास ले जाऊँ अच्छी बात है भीकू ने गांजा पिया और चक्कर मुझे आ गया बाबू आप क्यों जाते हैं आप यहीं ठहरिए मुझको ध्यान आता हूँ अच्छी बात मैं इंतजार कर रहा हूँ जल्दी जाओ इन्फॉर्मेंट शैल बी पेड 10,000 रुपीज के बाद 10,000 रुपया इनाम यही तो मुझे डर है इतनी बड़ी रकम के लालच में कोई हमारा राज पुलिस तक ना पहुंचा दे बॉस हो सकता है कि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं नहीं वो अपने भरोसे का आदमी नो भरोसा कोई एविडेंस कोई सबूत कोई विटनेस पुलिस के लिए नहीं छोड़ा जाए हम उस ड्राइवर के डेड बॉडी इधर मांगता ओके पार्टनर तुम ठीक कहते हो बाबू सुना तुमने उस ड्राइवर को वेट
भोसले, तुमको कोई आदमी उधर देखा? यस बॉस, जब हावड़ा ब्रिज पर स्टीमर का लाइट हमारा चेहरे पर गिरा तब कोई आदमी हमको उधर देखा, ऐसा हमारा शक है बॉस। शक नहीं, तुमको जरूर कोई आदमी उधर देखा। टेक नो चांस, जैसे भी हो उसका पता लगाओ, किधर से भी उसको इधर लाओ। पुलिस नहीं, हम उसको इनाम देगा। चाह मेरे ख्याल से हावड़ा ब्रिज के पास जितने पुलिस स्टेशन हैं, हम वहाँ अपने आदमी छोड़ दें। इनाम का ऐलान सुनकर वो आदमी वहां जरूर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्यारेलाल, ये सब मामला तुम अपने हाथ में ले लो, बहुत सीरियस है। यस चैन धनबाद। हाँ देख तो रहे हो कि अंदर जा रहा हूँ। क्या काम है? आहिस्ता बोलो, दरवाजे से मिलना है। ये देखो। ओ, ये तो हावड़ा ब्रिज वाले इनाम का ऐलान। हाँ हाँ, वही इनाम लेना है। घबराओ मत, तुम्हें भी 10 रुपया बख्शिश दूंगा, कसम दुर्गा भैया की। चुप रहो, रास्ता नापो। रास्ता नापो, अच्छी बात है। देखो हवलदार जी, मैं कहता हूँ तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे मुझे इस मामले में बहुत कुछ मालूम है और यही बात मैं थानेदार जी से कहने के लिए आया था। तुम नहीं जाने देते, ना जाने दो, तुम्हारी मर्जी। जा राम जी की। हाँ पछताओगे ना क्या। ए, सुनो, इस मामले में कुछ जानते हो? अजी कुछ क्या, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कसम गंगा मैया की। चलो मेरे साथ चलिए। इधर नहीं, इधर। ये मामला है तो मेरा शक सही निकला। बाबू तुम अंदर जाओ और सुनो वो क्या बकवास करता है। ओके बस। बस नहीं, नहीं सुनिए, ठहरो ड्राइवर। चलो जयराम जी की दरोगा जी। कौन है? हुजूर, ये हावड़ा ब्रिज वाले खून के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बैठिए। आप क्या जानते हैं? अजी बहुत कुछ जानता हूँ दरोगा जी। क्या काम है साहब? हवलदार साहब एक रिपोर्ट लिखवानी थी। आप यहाँ तशरीफ रखिए, साहब अंदर काम कर रहे हैं। जिस वक्त उस आदमी के चेहरे पर रोशनी पड़ी और तुमने उसे देखा, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं सरकार। कार का नंबर पढ़ा था तुमने? सरकार अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज थानेदार ना बन जाता। बकवास बंद करो, तुम उस कार को पहचान सकते हो? गंगा मैया की कसम सरकार, गाड़ी को देखते ही पहचान जाऊंगा। काले रंग की, पुराने ढंग की सरकार, इतनी तेज भागी कि देखते ही देखते आंखों के सामने से गायब हो गई। कलकत्ते में तो ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं। अरे सरकार मोटर को गोली मारिए, आप उस आदमी को गिरफ्तार करके ले आइए। गंगा मैया की कसम मैं फौरन पहचान जाऊंगा। सरकार दुबला सा, सूखा हुआ मुंह, लंबी लंबी मूछें, सरकार बिल्कुल भूत था भूत। ठीक है, जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। पर सरकार आपने जो छापे में 10,000 का इनाम छापा है। हाँ हाँ, पहले हमें उस गाड़ी का पता लगाना होगा, फिर खूनी की तलाश करनी होगी, उसे पहचानने के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। जब उसे सजा मिल जाएगी तब तुम्हें नाम मिलेगा। बाप रे बाप, जब इतना लंबा चौड़ा झंझट था तो आपने छापे में क्यों नहीं छाप दिया? सरकारी काम सब कायदे से होता है। अच्छा सरकार, आप कायदे से कीजिए, मैं जाता हूँ। जयराम जी की। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? भीकू। सुनो भीकू, अगर तुम्हारी मदद से खूनी पकड़ा गया तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। सरकार इनाम तो जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी सका भाड़ा तो दे दीजिए। हवलदार इसे घर पहुंचा दो। धन्यवाद। जय गंगा मैया की। चलो चलो। शट अप इडियट, तुम भीखू को देखा? तब पुलिस ने रिपोर्ट किया, हमको आके बोलता है, उधर उसको खत्म क्यों नहीं किया? बॉस को पुलिस के साथ किया। वो पुलिस के साथ क्या, तुम अकेला चाहो, उसको इधर लाओ। और एक बात, पात्र की तरह है बॉस। पार्टनर
अंकल जो का होटल में गया। ओ भाई गुडनेस, इधर सब काम खराब होता है, उधर वो एक्टर के साथ रोमांस करता है। टैक्सी ड्राइवर का क्या हुआ? बॉस उसका फैसला अभी करने जा रहे हैं। यू फूल इडियट, गेट आउट, दोनों काम करके आओ। चलो चलो गेट आउट फ्रॉम हियर। Hey, बसो। जी सरकार। तुम यहाँ रहते हो? जी सरकार। तुम जानते हो भीकू कहाँ रहता है? भीकू कौन सरकार? वो गंजेरिया जी सामने वाला मकान में रहता सरकार। इसमें? जी सरकार। तो क्या बात है सरकार? कुछ नहीं बस। भीकूलाल कौन है? अरे पुलिस, आइए आइए सरकार, आइए। डरने की कोई बात नहीं भीकूलाल, हम तुम्हें एक तकलीफ देने आए। वो 10,000 रुपए का जो तुम्हें इनाम मिलने वाला है वो लेने के लिए तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अरे वाह वाह सरकार, आपके मुंह में घी शक्कर। छबिया छबिया सरकार, आप इससे पूछ लीजिए फिर चलता। ओ, वो 10,000 रुपए का जो इनाम इन्हें मिलने वाला है ना, उसके लिए हम इन्हें थाने लिए जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सरकार, हमारे जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा जाओ मेरा कोट लाओ, जल्दी करो। और वो छतरी भी जाना है। हाँ, हाँ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी चलता फिर। अच्छा हाँ जाता हूँ, चलिए सरकार चलिए। ओके मैं क्या इंस्पेक्टर साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे आना हुआ? पूरे बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ हजूर। हमारा आदमी संसंग कल का टैक्सी लेकर गया है, ना टैक्सी आई है और ना वो वापस आया है। शहर का डक्का डक्का छान मारा है पर वो नहीं मिला। उसका उलिया लिख लो हजूर। हाँ लिखो। कद 5 फुट ते कुछ इंच काट, यानी कम। रंग मेरे तो चंगा ते गोरा गोरा। मथे ते निशान ते उम्र 26 साल। 26 साल। तुम्हारे बच्चे जींदे रहे हजूर, हम आम का आदमी लबा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। आप फिक्र ना कीजिए सरदार जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। बड़ा धन्यवाद करांगे हजूर जिसने साडा आदमी लबा दोगे। अच्छा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओ भीकू भीकू हटके ये कहाँ गया? ओ भीकू भीकू ओ भीकू। तुम आ गए चाचा? है? वो तो पुलिस चौकी नाम लेने गए हैं। हटके सवेरे से शाम तक इनाम ही ले रहा है। नहीं चाचा, जब तो लौट कर आ गए थे है? पर अभी भी 2 पुलिस वाले आए और एक काली गाड़ी में बिठा कर ले गए। काली गाड़ी? हाँ। ओ हटके वही हुआ जो मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, हटके मैं अभी आया। ये सब हरे हरे नैना कड़े कड़े नोट सब मेरे लिए। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है, बशर्ते तुम इन्हें लेना चाहो और ले। अरे कसम गंगा मैया की, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। इन 10,000 रुपयों से दुकान बनाऊं, मकान खरीदूं, घोड़ा खरीदूं, अरे गाड़ी बनाऊं और शादी कर लूं छमिया से। तुम्हारे साथ दूसरा कौन था जब तुम हावड़ा ब्रिज पर गड़बड़ देखा? नहीं साहब, मेरे साथ कोई नहीं था। गंगा मैया की कसम मैं अकेला ही था। अकेला था? तुमने क्या देखा? अरे साहब कह तो दिया, एक काली सी गाड़ी में से 3 आदमी उतरे, उन्होंने एक मरा हुआ आदमी निकाला, इतने में स्टीमर की लाइट एक आदमी के चेहरे पर पड़ी और मैंने उसे देख लिया। झूठ बोलता, तुम उधर कुछ नहीं देखा। अरे साहब आप क्या बोलते हैं, कसम गंगा मैया की वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं अभी उसे पहचान लूंगा। गंगा भैया की यही वो भूत है, इसी को मैंने देखा था। नहीं तुम इसको कभी नहीं देखा, तुम इसको बिल्कुल नहीं पहचानता। बस आप कैसे नहीं पहचानता, हम अपनी आंखों से देखा है। अगर 10,000 रुपए लेने हैं तो यही कहना होगा। ऐसा तो हटाओ, अपना तो डबल फायदा है, 10,000 पहचानने के लिए पुलिस से मिलेगा और 10,000 नहीं पहचानने के लिए आपसे मिलेगा। लेकिन तुम अब पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। वाह साहब, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मुझे इनाम कैसे मिलेगा? अब देखिए आप कसम से क्या भैया कीजिए, मैं कहां फंस गया। खामोश बाबू। यस बॉस।
इसको ले जा। अरे अरे मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अजी मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कसम से कहा भैया कि मेरी चमिया रो रो कर मर जाएगी। चिना बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे रुपया नहीं चाहिए। कमेंट तुम्हारे लिए मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई पता ही नहीं। शब्बोना शब्बोना हटके, जिस बात का मुझे डर था वही बात हो गई। क्या बात हो गई? मैं गया भीगू को लेने, वहां से पता चला कि वो पुलिस स्टेशन गया है। पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वालों ने बताया कि रिपोर्ट लिखाकर वो घर जा चुका है। मैं फिर घर वापस आया, मेरे सामने से एक गाड़ी काली गुजरी। मैंने जाकर समिया से पूछा कि वो कहां है, उसने बताया वो काली गाड़ी वाले उसे ले गए। वो काली गाड़ी चैंक के, मैं अच्छी तरह पहचान, तो उसको मैं चैंक का सर फोड़ दूंगा, उसको ले गया। खामोश खामोश, इस तरह शोर मचा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उस चैंक के होटल में ले चलो। चलो पार्टनर, तुम किधर क्या था प्यारे लाल? दीपू का इंतजाम किया ना। वो सौदागर का क्या हुआ? कौन सौदागर? तुमको इतना विश्वास नहीं, वो सौदागर के 40 ड्रैगन बेचने आया था शामों के साथ। अब वो चला गया। प्यारा लाल तुम नहीं जानता, हम जानता, वो सीआईटी का आदमी है। तुमको कुछ फिक्र नहीं, तुम अपने साथ हमको भी जेल में भेजेगा। तुम काम नहीं देखता प्यारे लाल, दिन रात एडना के चक्कर में रहता। मेरे साथ ही मामला पे दखल देना तुम्हें कोई हक नहीं। प्यारे लाल यार तुम कैसा बात करता? ठीक बात करता, वो ड्रैगन का किया रखा है। बेचा क्यों नहीं? नहीं बेचा, तुमसे मतलब? मुझसे यह मतलब कि तुम उसे अकेले हजम नहीं कर सकते, तो जल्दी बेचो ताकि मेरा शेयर मुझे मिल जाए। गुड नाइट जॉन चैंग। हटके हटके बीवी लोग। तो क्या बात है? मैं पैदल जाता हूँ, तुम ही ठहरना। हाँ मगर सुनो जरा हटके, शायद वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर तुम कहो तो मैं पुलिस को खबर कर दूँ। अच्छी बात है, कर दो। हेलो हेलो, एजिंग इंटरनेशनल। यस यस, देखो सिंगापुर जाने वाला जहाज कितने बजे आएगा? 10 बजे। वेरी गुड, कुछ सीट है? देखो एक सीट बुक करो। माई नेम इज जॉन चैंग। यस जॉन चैंग, हम अभी आता। यस थैंक यू। क्या कहा? चैना बाजार चैन का होटल? मगर आप कौन है? आप कहां से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, अजीब बात है, चैन होटल में कोई भयंकर घटना होने वाली, मगर फोन देने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। आना पड़ा ये देखने के लिए कि हमारे पार्टनर की नियत में कितना फर्क आ गया है। What? नियत में फर्क? ये तो कैसे बात बोलता प्यारेलाल? तुम कहां जा रहा था? तुम जानता नहीं पुलिस का कितना डेंजर है इधर प्यारेलाल। इसलिए माल लेकर भाग रहा था। कैसा माल? इसमें क्या है? कुछ नहीं, कागज है, पर्सनल कागज। उसको भी मैं आधा हिस्सेदार हूँ। तुम कैसे बात करता प्यारेलाल? खोलो सर। नहीं खोलेगा। मैं खोलूंगा। तुम खोलेगा? ओके खोलो, तुम खोलो।
प्लीज बोलता है, बोलो बोलो, खोलता क्यों नहीं? तुम नहीं खोलता, हम तुमको खोल के दिखाता, हम तुमको खोल के दिखाता, हम दिखाता। देखो देखो ये कैश, देखा ये चाइनीज ड्रैगन, ये सब चैंग का है, चैंग का। हम इसको लेकर जाएगा और तुम, तुम्हारा लाश जमीन पर गिरेगा। नहीं चैंग, ऐसा मत करो, आई एम सॉरी, पैसे के लालच में। हाँ, तुम सॉरी बोलता, रिवॉल्वर को देखकर तुम सॉरी बोलता। नहीं चैंग, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, मुझको माफ कर दो, मैं जाता हूँ चैंग, गुड नाइट चैंग। सरकार, तुम सॉरी बोला? हाँ चैंग। तुम माफी मांगा? यस चैंग। तुम गलती क्या, तुम हमसे माफी मांगा? यस चैंग। वेरी गुड वेरी गुड, चैंग तुमको ऐसे नहीं जाने देगा। जो जो थोड़ा कैश लो, जो। थैंक यू चैंग, थैंक यू चैंग। क्या मामला है? मैं तो अभी आपको टेलीफोन करा रहा था। किस लिए? मेरे पार्टनर चैंग का फोन हो गया। फोन? मगर अभी 20 मिनट पहले जो मेरे पास टेलीफोन आया था उसमें खून की तो कोई खबर नहीं थी। 20 मिनट पहले आपके पास टेलीफोन आया? हाँ, उसमें सिर्फ यही था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने खून किया उसके पुछाते भी था। खून ही को मैंने बंद कर रखा है, आप आइए। बंद रखा है? आवाज बढ़ कमान। आइए इंस्पेक्टर साहब। किस कमरे में खून हुआ? आइए। खून इसी कमरे में है, अपनी जगह पर खड़े रहो, कोई भी हरकत की छूट कर दी जाओगे। इसी में खैरियत है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बाबू बत्ती जलाओ। अरे यहाँ तो इस लाश के सिवा और कोई भी नहीं है। इधर भाग गया,
मेरा पार्टनर चेंग। सिपाही लाश को कब्जे में लो और इस कमरे की कोई भी चीज कोई हाथ नहीं लगाए। सिगरेट केस पीके पीके किसका ये? ये तो मैंने जोगी होटल में पैसेंजर पर देखा था। क्या कहता है? शायद उसने खून किया हो। तुम जानते हो उसको? जी हाँ। और मेरे साथ इतना तुम आ गया। तुमने क्या कर लिया? हम तुम्हारा खाना लाया होता, वेट करते करते सो गया। किधर चला गया था तुम? कितना देरी से आया? What's wrong with you? Wrong? अरे पसीना आता। हाँ मैंने कहा था ना मेरे सर में दर्द है। अभी तक? हाँ मेडिसिन लाता। कोई जरूरत नहीं है ना, कब सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर सुनता भी नहीं। लेकिन मेरा सिगरेट किस कहाँ गया? सुधर गया। शायद वहीं गिर गया होगा। किधर गिर गया होगा? सड़क पर जहाँ मैं घूमने गया था। ओह कम ऑन लेके आता। नहीं इतना जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं। शायद काहे को करता? सॉरी हम सब समझता। क्या समझता? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रेस्ट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। तबियत प्यार वाले सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर छोड़ दिया है। मेरे सर? हाँ हाँ तुम्हारा सिगरेट केस वहाँ रह गया था, वो पुलिस के हाथ में आ गया है। तो मेरा ख्याल ठीक था कि सिगरेट से वहीं गिर गया। अब पुलिस यहाँ आ रही है, यहाँ से भाग चलो। तो कहाँ भाग चलूँ? तुम तो मेरे साथ आओ। घबरा दे क्यों? लेकिन आपने बताया नहीं कहाँ गया राकेश? हम नहीं जानता। कानून के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश मत कीजिए मिस एडना। करेगा तो फंसेगा मैडम। एडना डार्लिंग सच सच बोल दो ना, किधर गया वो आदमी? हम सच बोला अंकल, हम नहीं जानता। बट ये सब क्या है? राकेश ने खून किया है। खून? मर्डर? नो नो। ये एडना, राकेश ने चैन का खून किया। ये रॉन्ग होगा। राकेश अच्छा वाला आदमी। राकेश के खिलाफ पुलिस के पास सबूत है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, जो कुछ तुम जानती हो इंस्पेक्टर बता दो। हम तो कुछ नहीं जानते, तो क्या बताएगा? सोच लो, अच्छी तरह से याद कर लो मैडम। मिस एडना आपने खूनी के भागने में मदद की। हम किसी को मदद नहीं किया। और खूनी की मदद करना भी एक जुर्म है। नो नो सर, हमारी एडना बिल्कुल सिंपल ऑनेस्ट लड़की है, झूठ कभी नहीं बोलता। उसको जो मालूम है सब बता देता। हौलदार कमरे की तलाशी। प्रेम कुमार। राकेश? यस दिस इज राकेश। प्रेम कुमार मतलब क्या? मतलब ये कि उसका असली नाम प्रेम कुमार। इंस्पेक्टर साहब अगर आप उस लाइटर में देखें तो उस पे पीके लिखा हुआ है। यस
जाहिर है कि उसने ये सब प्रोग्राम पहले से बना रखा। बेशक, वरना झूठा नाम रखने की वजह क्या हो सकती है? हमको ये बात पहले से नहीं आता। उसकी हर बात, हर चीज, हर हरकत में झूठ था। उससे प्यारे लाल, आपको उसके बारे में और कुछ मालूम है? इंस्पेक्टर साहब, इसका जवाब आपको मिस एडना बेहतर देंगे। तुम खाली भी हमको पता चलता है। हम बोला कुछ मालूम नहीं, कुछ जानते हम नहीं। हम आपसे सब कुछ मालूम कर लेंगे। आपको पुलिस स्टेशन बयान देने के लिए जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? नो नो सर, हम बिल्कुल इनोसेंट आदमी है। एडना कुछ नहीं जानता। कम ऑन अंकल, जब हम कुछ नहीं किया तो डरता है तू? कम ऑन। देखिए मिस एडना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये खून का मामला। अगर उसने खून नहीं किया तो फिर वो फरार क्यों हुआ? हम समझते हैं वो डर गया होगा। सच्ची आदमी को डरने की क्या जरूरत? अगर वो बेकसूर है तो अपने खिलाफ पाया गया सब सबूतों को झूठा साबित करने के लिए उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन आप ये सब बात हमसे कैसे पूछते हैं? इसलिए कि आपके साथ उसके जो ताल्लुकात थे उनकी रोशनी में उसके हर पोशीदा रास्ते आपको वाकिफ होना चाहिए। बट वो हमको कभी कुछ बोला नहीं। क्या आपको ये भी मालूम नहीं था कि उसका असली नाम राकेश नहीं प्रेम कुमार है? भाई बहुत हमको मालूम है। तो ये मतलब हुआ कि उसने आपको भी अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा कर धोखा दिया? हम नहीं मानता कि वो हमको धोखा दिया। हम तो ये भी नहीं मानता कि उसने चैन का खून किया है। दिल्ली है, बहुत अच्छा आदमी है। हम प्रूफ करेगा कि वो एकदम बेसिक। ये जाने बिना आप कहें साबित कर सकेंगे? और उसके तभी मालूम होगी जब आपकी उससे मुलाकात है। और मुलाकात वो भी कह सकती है जब आप खुद नहीं जानती कि वो रहता कहाँ है। कैसा भी कहे भी हम उसका पता लगाएगा। लेकिन इतने बड़े शहर में आप उसे कहाँ तलाश करती फिरेंगे? सब जगह पे हम उसको ढूंढेगा, सब जगह। इसके लिए आपको पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी। नो इंस्पेक्टर, हम उसको खुद ढूंढेगा। हम प्रूफ करेगा कि वो एकदम बेकसूर है। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। चलो अंकल। लड़की जारी है ना? तो पीछा कर। बहुत अच्छा। बन खन के चली हूँ पलक पर
मालिक दिल मेरा होए होए एक दिल मेरा लूट लिया तेरी पकड़ी रंग बरंगे लगे मन चंगे के दिल मेरा गोरिये नजर तेरी हीरे की गाले सेब कश्मीरे की काली मोतियों वाले के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया हमारा गाड़ी खाली नहीं है अरे अच्छा पिशा नेम साहब वास्ते गाड़ी खाली है और मैं क्या बादशाह किथे जाना जे पापा जी इसको अंग्रेजी के बीच में समझा यस यस बोल यार नेम साहब हम किथे जाने वाले मांगते नहीं वो आदमी हमारे पीछे पीछे आता है एकदम बदमाश ओके ना ओ पेशेंट बदमाश हटो पिशा ओए बहू ओ तेरे घर मां बहन है नहीं ओए ओए शर्म कर कुड़ी दे पीछे पिया है तू नहीं समझता सरदार जी वो लड़की बदमाशों के ग्रुप की है वाह बटे शरीफ दे पुत्रा जा दफा हो नहीं तो मार मार के चिबरी टैट कर दूं मेरा ये क्या बदतमीजी है ये देखो मैं सीडी का आदमी हूँ सीडी और रब की सौ सत्तू पुल हो गई है और बिटा सिंह और ले आओ कुर्सी और बनता से यार पट के रस्सी लिया साढ़े घर सीडी जी आए हुए ने और मैं क्या सीडी जी साड़ी एक बेनती सुन लो ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲਿਖ ਲਓ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ
रंगे गोरा चिट्टा मेरे वर्गा मुच्छा कुड़िया के छाती चौड़ी। तुम्हारी बिनती बाद में सुनूंगा, पहले बताओ वो लड़की कहाँ है। ओए फिकर ना करो सीधी जी, अबरी के बीच में बैठी है। ओए करतार सिंह किधर गई मेम साहब। अरे पप्पा जी गड्डी में तो बैठी थी सीधी जी, बड़ी सारी कुड़ी उड़न क्यों हो गई। तुम लोगों ने सब काम बिगाड़ दिया, हटो यहाँ से। सीधी जी पांच फुट तो पौधे के काटे संतंगा उलिया ना बुला बिल्कुल। श्यामू 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 किधर है? अजनबी साहब आप मिल कैसे हैं? श्यामू किधर है? हमको श्यामू से बहुत जरूरी काम है। बेकू का कुछ पता चला? बेकू का पता चल जाएगा, अभी हमको राकेश को ढूंढने का है। राकेश? कौन राकेश? हमको मालूम है राकेश श्यामू के साथ इधर आया है, तुम भी जानता है। हमको कुछ नहीं मालूम है साहब, हम कुछ नहीं जानता। तुम झूठ काहे को बोलता? हम जानता है, तुम जानता है उसको। छनिया किधर है वो, बोलो ना छनिया। पर मेरे साहब इधर बहुत खतरा है, हमको मालूम है। किधर है वो? अगर आपने किसी से बोला तो? हम किसी को नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस, कसम खाता किसी को नहीं बोलेंगे। मगर मुझे डर लगता मेरे साहब। डरता काहे को, हम किसी को नहीं बोलेंगे। अच्छे से कोई नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बाबूजी मैं हूँ छनिया। इतना अच्छा हो तुम आ गई, मैं ये सोच रहा था तुमसे किस तरह मिलूं। मुझे तुमसे जरूरी काम है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना अभी ऐसा बात करके फिर कोई चाल खेलना चाहता है क्या? चाल? कैसा चाल? तुम क्या कर रही? अभी हमसे पूछता है, हमको तुम्हारा एक एक बात का पता चल गया है। पता चल गया? क्या पता चल गया? जो हमको पता नहीं था, हम तो समझता था तुम बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुमने एक आदमी का खून कर दिया, तुमने हमारी मोहब्बत को धोखा दिया। तुमने एबना, तुम्हें कुछ पता नहीं चला है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का खून नहीं किया, यही मैं तुमसे कहना चाहता था। पराए घर में अकेली औरत को देखकर तुम आए थे? कैसी बातें करती हो, हम इस मकान की तलाशी लेगा। तलाशी लोगे? यहाँ कोई चोर डाकू रहते या तुमने खून किया है? शाम चाचा आएंगे तब तलाश लेंगे। पुलिस के काम में दखल देना जुर्म होता है। समझे? चल हटो रास्ते से। हटो, बोले अंदर। तुम पुलिस को साथ लेकर आई हो? नहीं। तुम्हें क्या पता मैं पुलिस से क्यों छुप रहा हूँ? तुम्हें क्या पता तुम मेरा कितना नुकसान कर रही हो? इतना तुम पुलिस से पकड़वा दो। खोलो दरवाजा, खोलो। क्या है? काहे को गड़बड़ करता? आप अभी मालूम हो जाएगा कहाँ है वो। कौन वो? चैन का खूनी राकेश और प्रेम कुमार, जिसे मिलने तुम यहाँ आई हो। अरे जाजा, हम अपने फ्रेंड को इधर मिलने को आया है, इससे अच्छा जाएगा तुम चला जाएगा। हमारा पैकेट कहाँ खुलेता? नहीं कहती हो? इसी तरह बताओ कहाँ है वो। इधर है, हमारे पर्स में देखो। हम बोला ना हम कुछ नहीं जानते, फिर खाली पीली हमारा मगज काय को खाता है। हम देखा रास्ते में भी तो हमारा पीछू पीछू आता था, अब हम लोग से मस्करी करता है। जाता कि नहीं जाता है? फिर देख लूंगा। देख लेना। बाबूजी कहाँ है? इधर ही किधर होंगे? चलो बाबूजी, बाबूजी। शमिया तुम ऐसा करो, तुम उधर जाकर रहो, अगर फिर से पुलिस आ गया तो हम बोट में दिखता है। पुलिस गया, तुम बच गए। ताज्जुब, उधर पुलिस को बुलाती हो, इधर मुझे बचा लेती। सच बोलता, हम पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस इधर कैसे आया हमको क्या मालूम। थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे गिरफ्तार करा देना चाहती थी। जो हम बोला वो तुम सुना, मगर हमारे दिल का बात नहीं समझा।
राकेश तुम्हें सकाए को सोचता कि हम तुमको पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तुम नहीं जानता क्या हम तुमको कितना। मैं जानता हूँ। कोई कुछ नहीं जानता, तुम एकदम पत्थर है। किसी का दिल नहीं समझता, किसी के दिल का दर्द नहीं समझता। अच्छा होता जो तुमको पुलिस पकड़ के लेके जाता। ऐसा मैं हम इंस्पेक्टर से बोलिए राकेश किसी का खून नहीं किया। मिस्टर शर्मा मैंने क्या झूठ कहे को बोलते हैं? मैं झूठ नहीं कह रहा वरना मैं इस मामले में फंसा गया हूँ। दरअसल प्यारेलाल ने चैन का खून किया है। प्यारेलाल ने सजा को किया? ये उलझा हुआ मामला है इतना जो मैंने आज तक तुमसे कहा नहीं था। इसलिए मैं समझता था तुम भी उन्हीं में शामिल हो। तुमने इसे समझा, इसके वास्ते हमसे झूठा मोहब्बत किया इतना। लेकिन अब बात बदल चुकी है, अब मैं तुमसे सब कुछ सच सच कह देना चाहता हूँ। यस यस राकेश, अभी तुम हमको सच 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 कह दो, नहीं तो हम समझेगा तुम अभी भी हमको बनाते हो। मैं सच कहूँगा। कमरे में कौन कौन है? ओ प्यारे लाल साहब आया बॉस के साथ टॉक करता। प्यारे लाल तुम हमारे साथ आओ, जरूरी काम है। अच्छा मैम साहब। अंकल तुम हंसता है, चैंग की मौत के बाद उसका पार्टनर बहुत सी दौलत का मालिक हो गया है। आई नो यू आर वेरी लकी, तुम बहुत पैसे का मालिक हो गए। लेकिन अंकल क्या फायदा सब दौलत का? काहे को? एक चीज के बगैर। वो कौन चीज? एडना। एडना? प्यारेलाल तुम एडना से शादी करना मांगता है? यस अंकल। मगर प्यारेलाल तुम एडना से शादी करेगा तो हमारा होटल कैसा चलेगा, हम क्या करेगा, एडना की बराबर सा बिजनेस चलता है। अंकल तुम हमारे साथ रहना। रहता लेकिन हमारा नुकसान होगा वो कौन भरेगा? कितना नुकसान होगा आपका? आपको कितना रुपया चाहिए? प्यारेलाल तुम्हारा हमारा बिजनेस एक है, तुम जानता हमारा कितना नुकसान होगा। अंकल अगर मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा सुनोगे? 1,00,000? हाँ अगर एडना राजी होगी हमसे शादी करने के लिए हम 1,00,000 रुपये देंगे। वो क्यों नहीं राजी होगा, हम उसको राजी होने को बोलेगा। अंकल तुम हमको बेचता है? प्यारेलाल तुम हमको खरीदता है? एडना गलत मत समझो, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर हमको खरीदता काहे को है, हम तो ऑलरेडी तुम्हारा है। क्या कह रही हो? सच। अंकल अंकल हम प्यारे लाल को बहुत प्यार करता है, हम शादी करेगा। यस शादी करेगा प्यारे लाल हमारा। पैसा पैसा कैसा? लव मैरिज, प्यार का शादी। चलो प्यारे प्यारे लाल तू एडना को लेकर किधर जाता है? प्यारे लाल एडना को लेकर नहीं, एडना प्यारे लाल को लेकर जाता है। क्या कहा अंकल? ओ गॉड, पैसा भी नहीं मिला, एडना भी चला गया। श्याम दादा सलाम मैम साहब। क्या है? श्याम चाचा अभी तक नहीं आए? एडना मैम साहब चिट्ठी दिया। एडना मैम का चिट्ठी दिया, दिखाओ। बहुत जरूरी वाला चिट्ठी। अच्छा जब चाचा आएगा हम उसे दे देगा। अच्छा मैम साहब। बाबू जी ये चिट्ठी एडना मैम साहब का नौकर दे दिया। श्यामू का? वो तो जो साहब के होटल में गए। जो के होटल में? जो काम करेगी श्यामू से कहना कि पुलिस को साथ लेकर चैन के होटल में आ जाए और गोलियों की आवाज सुनते भीतर घुस पड़े। गोलियों की आवाज? बाबूजी क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है लेकिन तुझे करने का, तो जल्दी जा। बैठो डार्लिंग। क्या देख रही हो डार्लिंग? डार्लिंग हम देखते हैं इधर का सब चीज कितना बदल गया है। क्या बदल गया? पहले इधर का सब चीज किसी दूसरे का था, अब ये सब चीज तुम्हारा है। जब मालिक तुम्हारा है चीजों का सवाल है। हाउ स्वीट, तुम कितना प्यारा है प्यारे। बट अभी हम तुम्हारे वास्ते एकदम खबर किया है। क्या हुआ? हम तुमसे बोला था ना डार्लिंग, वो रंगून वाला इज्जत राकेश तुमको फंसाना मांगता है। वो मुझे क्या फंसाएगा, खुद फंसा हुआ है। वो तो हम जानते हैं, बट वो रॉयल ज्वेलरी क्या नाम उसका, चाइनीज ड्रैगन, सब झगड़ा उसी के वास्ते तो होता है। वो बोलता है तुम उस ड्रैगन के वास्ते चैन का खून किया। झूठ, तुम उसने किया। वो तो हम जानते हैं डार्लिंग, पर तुम उस ड्रैगन को अच्छी तरह छुपा के रख दो। वो ऐसी जगह है जहाँ किसी की हवा भी नहीं लग सकती। दैट्स गुड, बट डार्लिंग
राकेश को मालूम है कि ड्रैगन किधर है। उसे कैसे मालूम? क्या मालूम, अगर वो पुलिस को खबर कर दिया तो पुलिस इधर आ जाएगा और ड्रैगन पुलिस को जरूर मिल जाएगा। हाँ, ये तो हो सकता है। और फिर तुम चैन के खून में फंस जाएगा। और नो प्यारे प्यारे, तुम जल्दी से वो ड्रैगन किसी दूसरी जगह छुपा दो, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। प्लीज हरिया प्यारे। तुम ठीक कहते हो ना? आओ। ये रूम है ड्रैगन के, तो छुपा के रखा है इधर, तो जल्दी निकालो। अभी इसको पीछे देखेगा। अभी चलिए, अपने पास वक्त नहीं है। लेकिन मेरे पास वक्त है। तुम साकेश? मैं फैसला करने आया। छुट्टी कहाँ है इतना? मुझे पहले ही शक था कि तुम इन लोगों से मिली हुई और दोतरफा चाल चल रही हो। हेलो मत, तुमने मुझसे मोहब्बत का नाटक किया और तमाम जानकारी हासिल कर कन बदमाशों को बताया। यस, हम तुमको पहले ही बोला था प्यारे लाल, ये आदमी अच्छा नहीं है। अंकल को हमको तुमको सबको बताना चाहता है, इसलिए बोला तो जल्दी भागो, जल्दी भागो। भागने का सवाल ही नहीं उठता एडना, मैंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस? झूठ बोलता है, तुम ऐसा करने को नहीं सकता। कहे कुछ तुम चैन का खून किया है, पुलिस तुमको पकड़ चले जाएंगे। चैन का खून किसने किया अभी पता चल जाएगा, लेकिन पहले ड्रैगन दे दो मुझे। थैंक यू डार्लिंग। अब बोलो, जानना चाहते हो कि चैन का खून किसने किया? मैंने किया चैन का खून, तुम्हारे भाई का खून भी मैंने किया, और अब तुम्हारी बारी है। सबूत खत्म किया है। बहुत खतम हो गया, पुलिस ने चारों तरफ से होटल को घेर लिया है। आप होशियार हो जाइए, कुछ लोग आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। पुलिस? तुम घबराता काहे को है? हम बोलते वो हमको मारने को आता था, मारा मारी में रिवॉल्वर छूट गया, वो खलास हो गया। ठीक है ना? तुम ये भी बोलना कि जैन का खून ही है। जैन का खून तो तुमने किया है। ठीक है, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम। क्या हुआ? आप आ गए। शाम में मुझे खबर दी कि चैन का खून यहाँ है, इसकी आपको तलाश है। किधर है वो? एडना बता देना सब कुछ। हमको कुछ मालूम नहीं। एडना क्या हुआ तुम्हें? चैन का खून ही मुझे मारने आया, आपस में हाथापाई हुई, उसकी गोली उसी को लग गई। राकेश बाबू को गोली लग गई? वो पड़े उसकी लाश। राकेश बाबू, हेलो सिपाही, लाश कब्जे में लो। आप लोगों को थाना चलना होगा बयान देने के लिए। मैं इनका बयान ले चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, अभी आपको सुना देता। थैंक यू। कैसा है तुम? हम तो घबर गए थे। तुम्हें तो मालूम था कितने नकली गोलियां हैं, बट तुम गिरा ऐसे जैसे असली गोली लगा। नकली गोलियां थी? तो पैरालाजी कैसे मरता हो, बाचा कह लो। इसका मामला क्या है? इस समझ में कुछ नहीं आया। मैं भी समझा देता हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये तो रिकॉर्डिंग मशीन है। जी हाँ, इस बदमाश का बयान अब इसी की जबानी सुनिए। चैन का खून किसने किया अभी पता चल जाएगा, लेकिन पहले ड्रैगन दे दो मुझे। ला इधर। थैंक यू डार्लिंग। बोलो, जानना चाहते हो कि चैन का खून किसने किया? मैंने किया चैन का खून, तुम्हारे भाई का खून भी मैंने किया, और अब तुम्हारी बारी। No, 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 no
प्रेम बाबू, बाबू जी को मेरा राम राम कहना। कहना कि श्यामू आपको बहुत याद करता है हमें जरूर। चलो हेलो पीके। अरे हाय टू डार्लिंग, डोंट रन कुंजे। ओके टाटा बाय न्यूली बाय। डाला तूने दिल मेरा खो गया, ये क्या कर डाला तू।